Why relationships are so complicated nowadays? I mean, people are ready to, you know, stay in good relationship, but they are not ready for marriage. रिलेशनशिप में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, पर जहाँ पर कमिटमेंट की बात आ जाती है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, यानी मैरिज की बात आ जाती है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. दे डोंट वॉन्ट टू बी विद वन पर्सन फॉर द एंटायर लाइफ. नोबडी इज श्योर के वेदर इट्स द राइट डिसीजन फॉर मी और इट्स नॉट, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है. पहले के टाइम में क्या होता था, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, या टिपिकली जो अरेंज मैरिज में भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है. कल को कुछ गलत हुआ भी तो फैमिलीज आपस में बात कर लेती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग योर ओन डिसीजंस, दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, क्योंकि डिसीजन में इम्प्लाइड है कि वो डिसीजन गलत भी हो सकता है. करेक्ट. जैसे इंडिया में अगर आज की डेट में हम देखते हैं तो जो डिवोर्स रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है. पहले के टाइम में इतना नहीं होता था. बेसिकली पेशेंस मिसिंग है. सबसे ज़्यादा जो मिसिंग है बेसिकली आज की डेट में वो है कि वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हमको किस तरह का इंसान चाहिए अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए. तो ये तो पहले भी नहीं पता था. पहले हम ऐसा सोचते ही नहीं थे कि मेरे को कैसे इंसान चाहिए. वो डिसीजन कोई और लेता था. अब आपको खुद को लेना है डिसीजन, तो नाउ यू नीड टू फिगर आउट. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में क्या होता था, करियर आप खुद नहीं चूज़ करते थे, उनके घर वाले उनको बता देते हैं कि तुम्हें यही करना है. मानो ये सरकारी नौकरी करनी है तो करनी है, किसी भी तरह से तुमको क्रैक करना है. तो उनके खुद के माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होता है. हाँ, अगर उनका क्वेश्चनिंग माइंड है, वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे कि यही क्यों करना है, वो क्यों नहीं करना है, इतने सारे ऑप्शंस हैं. बट जैसे ही वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये मत समझो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उनकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी शॉर्ट टर्म में. लॉन्ग टर्म में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में देर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉट ऑफ टर्मोइल. बिकॉज एक तरफ से उनके पेरेंट्स होंगे जो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि हमारे हिसाब से चलो, एक तरफ से उनको खुद को करना है, प्लस उनसे गलतियां भी होंगी. अब गलतियां जब होंगी तो और ज़्यादा सब लोग मिल करके उसको रियलाइज कराएंगे कि देखो तुमसे गलती हो गई. True. तो बेसिकली ये जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, दोनों इंटर रिलेटेड है. क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, एक डिसीजन, कमिटमेंट टू वन थिंग और वन पर्सन, इट बॉइल्स डाउन टू कि भाई हमको डर लग रहा है डीप डाउन कि कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए. तो कैसे क्लैरिटी दी जाए कि आप जो सोच रहे हैं, या तो उस पर रिसर्च की जाए उस टॉपिक पे, या प्रोबेबली अगर आपको कोई पसंद है तो पहले उसे टाइम दो, उसको ऑब्जर्व करो क्या करना चाहिए, जिससे आपको आपको क्लैरिटी हो कि ये जो मैं चॉइस करने वाली हूँ अब ये मेरे लिए है और अब मैं इसे पीछे नहीं हटूंगी. ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आए? देखो, सबसे पहले स्टेप में तो चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, गिव इट सम टाइम. एकदम से हाँ मत करो, बिकॉज द मोमेंट यू से यस तो फिर सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. अब आपने एक बार कमिट कर दिया अरेंज मैरिज में, मानो कि एक दो बार आप मिले और आपने हाँ बोल दिया, अब आप पीछे हटोगे तो अननेसेसरी प्रेशर्स क्रिएट होंगे. बट जब तक आपने हाँ नहीं बोला है, चाहे कितना भी प्रेशर आए कि आई वॉन्ट टू मीट दैट पर्सन अगेन, मे बी 2 times, 5 times, 10 times, कहने का मतलब है कि गिव इट सम टाइम. ओके, कमिटमेंट इतनी जल्दी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है ना. जैसे करियर है, करियर में एकदम से आपने कोई चीज़ करी नहीं है, बस किसी को करते हुए देखी है और आपको लगता है कि ये करियर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और आपने कमिट कर दिया और वहाँ पे आप गए उस ऑफिस में, आपने ज्वाइन किया, 4 दिन बाद समझ आया अरे मैं कहाँ फंस गया. इट हैपेंस विद मी. हाँ, ये हुआ ना आपके साथ में, राइट? ऐसा ही रिलेशनशिप में भी होता है कि होता क्या है, हम जल्दीबाजी में कमिट तो कर देते हैं, बाद में हमको लगता है अरे ये कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गया, ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटीज है. मतलब ऊपर ऊपर लेवल पर तो डिफरेंसेस रहेंगे, वो तो अच्छा है, बोलते हैं ना अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वो तो अच्छा है, बट जो फंडामेंटल्स हैं वो अलाइंड होने चाहिए. मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं आपकी और सामने वाले पर्सन की, दैट हैज टू बी अलाइंड. ओके, कि आपने अपने लिए डिफाइन किया कि मेरे लिए ये टॉप 5 प्रायोरिटीज हैं इस रिलेशनशिप की, बाकियों पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये 5 चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ट्रू. ऐसे ही क्या वो सामने वाले की उन 5 चीज़ों से मैच होता है, वो उससे पूछना पड़ेगा अपना बताने से पहले, या ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो क्या कहता है या क्या कहती है. कहते तो सब अच्छा है, कहते तो सभी अच्छा है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, बट ये मत देखो कि वो क्या कह रहे हैं, ये देखो कि वो क्या कर रहे हैं. उनको उन 5 पैरामीटर्स पे एक एक करके टेस्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, लुक्स उस टॉप 5 में है या नहीं है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. अब मैं किसी को भी जज नहीं कर रहा हूँ. ट्रू ट्रू. हो सकता है आपके लिए हो सकता है किसी और के लिए ना हो, अब वो आपको देखना है. या करियर स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसका बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो रिस्पेक्ट कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये मत देखो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है,
ये देखो कि एक गरीब आदमी की कितनी रिस्पेक्ट करता है वो, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट कोई इंसान करता है तो या तो वो सबकी करता है या किसी की भी नहीं करता है। ये देखो उसके थॉट्स अपनी कंपनी के बारे में लेकर के क्या है, अपने बॉस के बारे में क्या है, अपने पेरेंट्स के बारे में क्या है। तो ऐसे आपको देखना है, कुछ पांच चीज़ें पहले तो डिफाइन करनी है, और ये माइंड में नहीं करनी है, लिख करके करनी है, इसको टाइम देना है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। ट्रू। आराम से देखा ठंडे दिमाग से कि ये पांच चीज़ें इसके अंदर है या नहीं है, जिसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ हफ्ते कुछ महीने लगेंगे। गॉट यू। और इतना कुछ महीने तो देना बनता है ना, एक पूरी लाइफ का कमिटमेंट है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इट्स ओके टू गो फॉर इंटर रिलीजन मैरिज? आई मीन ऑल्सो इट्स एक्सेप्टेड नाउ कल्चरली एंड वी आर वेरी फ्री नाउ टू यू नो चूज आवर पार्टनर, बट आई कैन सी दैट स्टिल पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर यू नो इंटर रिलीजन मैरिज फॉर देयर ओन चिल्ड्रन। वो अपनी जगह पर ठीक है, मैं उनको पूरी तरह से गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, व्हाट इज अ रिलेशनशिप, इट्स बेसिकली अ कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू पीपल एंड देयर फैमिलीज। ओके। क्योंकि आप अकेले तो एग्जिस्ट करोगे नहीं, आप सबके साथ में ही करोगे ना, वी आर ऑल सोशल बींग्स, यू डोंट एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल। ये एक मिथ है कि मैं इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर इस पूरे प्लैनेट पे आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू नीड पीपल टू सर्वाइव। ट्रू। यू नीड पीपल टू सपोर्ट यू, यू नीड पीपल टू हेल्प यू। तो एक टीम की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है, रिलेटिव्स की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली क्या होता है, इंटर रिलीजन में आप ये कह सकते हो एक तरह का ग्रुप हो गया, तो वो अपने ग्रुप से आइडेंटिफाइड है, तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ में जेलअप करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ कॉमन होता है वहाँ पर डिस्कस करने के लिए। प्लस उन्हें ये पता है कि सिर्फ उनके स्टैंड पॉइंट से नहीं, आपके स्टैंड पॉइंट से भी यू विल बी मोर कम्फर्टेबल इन द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो। एकदम से आपको ले जाके एक अलग एनवायरनमेंट में डाल देंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस डिसकम्फर्ट इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि नई आदत कोई भी हम चेंज करते हैं ना तो उसमें डिसकम्फर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से ही पहाड़ों में रहे हो, माउंटेन्स पर रहे हो, हिमालय में रहे हो, और बहुत एक ठंडे एटमोसफेयर पर रहे हो, आपको एकदम से ले जा करके रेगिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? या इट विल टेक सम टाइम। तो ये पता होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं इंटर रिलीजन मैरिज कर लूँगी और सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे दोनों के, घर वालों में क्लैशेज होने के चांसेस हैं। ओके। आपके भी आपस में क्लैशेज होने के चांसेस हैं। जब भी दो अलग अलग लोग बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस से, अलग अलग रिलीजन से एक साथ में आएंगे तो फैमिली के लेवल पे भी क्लैशेस होंगे, पर्सनल लेवल पे भी होंगे, सब कुछ होगा। बट ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में वो ये पांच चीज़ें हैं, वो पांच चीज़ें तुम में भी हैं, मुझ में भी है। तो वो जो क्लैशेस आएंगे वो कुछ टाइम तक आएंगे, पहले से पता होना चाहिए, ताकि जब क्लैश आए तो आप एकदम से ये ना हो जाओ कि ये क्या हो रहा है। ट्रू। तो आपको पता होगा कि कुछ महीनों तक प्रॉब्लम रहेगी, दो चार छः महीने, मैक्सिमम एक साल, सब कुछ सेटल होने में टाइम लगेगा। जैसे कुछ आंधी तूफान आएगा तो वो कुछ दिन तो रहेगा, बट यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर टू फेस दैट। इफ यू आर रेडी फॉर इट देन इट्स ओके, आप दोनों तैयार हो कि प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर दोनों बहुत मैच्योर हैं तो क्या ऐसी कंडीशन में इस चीज़ को सोचा जा सकता है या नहीं? सोचा जा सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करने में जो कि बिल्कुल ही एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। आप तो रिलीजन की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग इवन अबाउट नेशनैलिटी फॉर दैट मैटर, कि आप इंडियन हैं और कोई है जो मान लो अफ्रीकन है या यूएस से है या यूके से है या कहीं और से है, तो एक तरह से दो अलग अलग कल्चर्स हो गए ना। ट्रू। तो यू कैन इवन गेट मैरिड टू दैट पर्सन, बशर्ते इफ यू आर रेडी टू इफ यू आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द शॉर्ट टर्म एंड इवन इन द लॉन्ग टर्म। आपको ये रेडी होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं नया नया, तो आपको पता है कि जो शुरू के कुछ महीने हैं वो बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत पेन होने वाला है, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। तो इफ़ यू आर मेंटली रेडी फॉर इट तब तो आप जिम में टिकोगे, नहीं तो जिम को छोड़ दोगे चार दिन में, जैसे 99% लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही अगर रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हो आप दोनों ही कि अब जो भी होगा वी विल ओवरकम इट नो मैटर वॉट, इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ में अंदर नहीं जाना है कि नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हम एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि हमको एक दूसरे से प्यार है, जबकि इस वर्ड को हमने कभी फिगर आउट नहीं किया व्हाट दिस लव इज, जिसको हम लव कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो कुछ टाइम का एक अट्रैक्शन होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, कि एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं, जब रियलिटी सामने आती है तो लव वव सब मिट्टी हो जाता है। सो सर टेल अस मोर अबाउट, आई हर्ड पीपल से
few people are in love with God and people are love in person also, right? So what is the difference between love with God and love with a person, except this physical intimacy? What is the difference? जो love for God है ना, ये अपने आप में एक बड़ा ही abstract concept है. क्यों? क्योंकि what is God? God को कभी आपने experience तो किया नहीं है. तो God मतलब क्या? एक thought है, एक idea है, एक belief है जो आपके mind में है, एक image है. तो if you are saying I am in love with God, तो ultimately what you are saying is I am in love with my idea of God. So you are in love with your own belief, your own idea. You are not in love with God, क्योंकि God से अगर आप जाकर के पूछोगे कि are you in love with me, वो कहेंगे आप कौन हो. तो you are in love with your own imagination, which is okay, because it gives you kind of a psychological security, जो कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है कि इस lonely world में at times we need something to hold on to. जब सब कुछ छूट रहा होता है, जब बाहर सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है, तो वी नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू. जैसे कोई इंसान है, वो भूतों से बहुत डरता है, तो उसको एक ताबीज़ दे दिया जाता है कि ये पहन ले तो कोई भूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा. तो वो ताबीज़ काम करता है. किस लेवल पे करता है? साइकोलॉजिकल लेवल पे करता है. एक्चुअल में कोई भूत से नहीं बचाता है उसको, क्योंकि भूत है ही नहीं, तो भूत से बचाएगा क्या. ऐसे ही ये जो साइकोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम होता है, ये हमको बचाता है, एक कम्फर्ट देता है. आपको ये होता है आई एम इन लव विद गॉड, व्हाट डज दैट मीन? कि चाहे कुछ भी होगा मेरे साथ, बुरे से बुरा, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता है. तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच मिल रही है लाइफ में, या फिर मे बी आपके आगे कोई आइडल है, किसी मंदिर में आप गए, वहाँ पर जाकर के आपने हाथ जोड़े, अपना सर झुकाया, एंड यू जस्ट लेट गो कि भगवान अब मेरे से नहीं हो रहा, तू संभाल ले. तो दैट्स बेसिकली एंटरिंग इनटू अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड कंपैशन एंड लव. व्हाट इज लव? लव इज टू बी वन विद द होल. In that moment, you are one with the whole. You are one with the universe. क्योंकि आपका मैं बीच में से हट गया है जब आपने सरेंडर कर दिया है. आपने भगवान के आगे जाकर के सर झुकाया और आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया. जो आपका थॉट है, जो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, जो बहुत ही लिमिटेड है, उससे आपने अपना कंट्रोल छोड़ दिया. तो अब आपकी नेचर की इंटेलिजेंस आपके थ्रू ऑपरेट कर रही है उस मोमेंट में. फ्री कर दिया अपने आपको. वही तो करना होता है. जैसे कोई बीमारी है, उससे हील कैसे होते हैं? जानवरों के अंदर इंटेलिजेंस फीडेड है. जानवर क्या करते हैं, जैसे ही कोई बीमारी होती है, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं. वो खाना पीना छोड़ देते हैं, जा करके लेट जाते हैं. तो एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने नेचर की इंटेलिजेंस को अपने आप को सरेंडर कर दिया. हम क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, जा करके बच्चे को और खिलाते हैं कि ताकत आएगी. अरे ताकत नहीं आती है उससे, वो ताकत डाइजेशन में चली गई, डाइजेस्ट करने में लग गई. उस वक्त ताकत चाहिए थी, लेकिन हमने और गड़बड़ कर दी. तो ये क्या किया हमने? थॉट के लेवल पे हमने गड़बड़ कर दी. नेचर की इंटेलिजेंस जो है वो संभाल लेती है चीज़ों को, हमको पूरे के साथ जोड़ देती है. इस जुड़ने को ही योग कहते हैं, जुड़ने को ही प्यार कहते हैं. वाओ, सो कंपैटिबिलिटी आपने बोला, आप मुझे बताएंगे कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री ये कैसे ज़रूरत है और कैसे अलग है? दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं. एक है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री मतलब क्या कि केमिकल लोचा जो हमारे ब्रेन में होता है किसी को देख करके. यू कैन कॉल इट अट्रैक्शन, यू कैन कॉल इट जैसे किसी को देखा तो एकदम से अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, सेरोटोनिन रिलीज हुआ, या कोई केमिकल ऐसा रिलीज हुआ, एक फील गुड, एक ऑक्सीटोसिन एक केमिकल होता है. किसी को टच किया तो एक केमिकल रिलीज होता है, तो वी फील गुड. तो दैट यू कैन कॉल इट एज केमिस्ट्री. ये केमिस्ट्री जैसे इंसानों में ऑपरेट करती है, वैसे जानवरों में भी करती है. जैसे दो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दो जानवर, बिल्कुल ऐसे ही दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. उसका जो रीज़न होता है, जो जड़ होती है, वो केमिस्ट्री होती है. बट केमिस्ट्री कैन क्रिएट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन योर लाइफ एज फार एज अ रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड. कंपैटिबिलिटी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल्टुगेदर. केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी. यानी एक जो इंटिमेसी है, फिजिकल इंटिमेसी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी. मतलब मानो उसके लिए कंपैटिबिलिटी के लिए आपको 10 चीज़ें चाहिए, दो लोगों में से एक केमिस्ट्री है, उसमें से एक केमिस्ट्री है, यानी बायोलॉजी है. तो केमिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज नहीं देना है. कुछ भी नहीं है, मे बी 10% केमिस्ट्री हो गया, बाकी का 90% तो कुछ और है ना. केमिस्ट्री आपके बीच में बहुत अच्छी है, बट एज फार एज रिस्पेक्ट इज कंसर्न्ड, तो कंपैटिबिलिटी नहीं है. सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता है, या आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो ऐसी रिलेशनशिप का क्या करोगे, ऐसी केमिस्ट्री का क्या करोगे? ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. अब आप क्या करोगे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो इस केमिस्ट्री को उस केमिस्ट्री के साथ कंपेयर करने लग जाओगे. एंड दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड. इसको ना क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में बोला जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में, व्हाटएवर इज नॉट फॉरबिडन इज मैंडेटरी, इज कंपल्सरी.
यानी क्या कि मान लो पास्ट में आपका किसी के साथ में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था, अब उसको आप भुला तो सकते नहीं, वो मेमोरी में फिटेड है. True. अब आप किसी पर्सन के साथ में गए, कमिट कर लिया, शादी कर ली, बट अब आप उसको बार बार कंपेयर कर रहे हो, तो एक तो आपकी ये रिलेशनशिप खराब हो रही है, प्लस अब देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अब आप यहाँ से हटोगे और अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसकी तरफ जहाँ पर आपको सिर्फ केमिस्ट्री वाइज कंपैटिबिलिटी है, बाकी जो नौ चीज़ें हैं वो सब बेकार हैं. तो अब ना आप यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे. और खुद के तो रहे नहीं, खुद का कैसे रहोगे? नाउ यू आर लाइक स्टक ना, अब आप बीच में फंस गए, अब आप ना यहाँ हो ना वहाँ हो. तो बेसिकली अब इस सबसे कैसे बचा जाए, आपको समझना होगा किस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है लाइफ में. जिसकी जितनी है उससे ज़्यादा दे दी तो फंस जाओगे. मैंने आपके एक लेक्चर में, आपके एक सेशन में सुना था, जब आप शादी कर लेते हो तो वही सब कुछ नहीं होता है, वो एक रोल है आपका, आपकी लाइफ उससे बहुत बढ़कर है. आप सब कुछ 100% मत सोचो, यही सब कुछ है, ये नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा. और वो वर्ड्स बहुत पहले सुने थे, 4-5 साल पहले, तो कुछ कुछ वर्ड्स हमेशा आपको याद रह जाते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं. इट्स बेसिकली बेस्ड अपॉन रियलिटी, क्योंकि शादी आज की डेट में इट्स अ हार्श रियलिटी, इट्स अ फैक्ट कि इट मे और मे नॉट वर्क. देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व. क्योंकि अब बात होती है इक्वालिटी की, पहले के ज़माने में ये बात नहीं होती थी. पहले क्या होता था, पति है मतलब परमेश्वर है, चरणों की दासी है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सती प्रथा होती थी और वो सब होता था, राइट? कि अगर पति की डेथ हो गई है तो मर जाओ, ये करो वो करो, व्हाटएवर. तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डीपली रूटेड थी हमारी सोसाइटी में आज से कुछ सालों पहले तक. बट आज ही डेट में क्या है, लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, दोनों बराबर हैं. तो जहाँ बराबर है वहाँ पर क्या आ गया, पार्टनरशिप आ गई. पार्टनरशिप में क्या देखना होता है, बेसिकली कंपैटिबिलिटी को देखना होता है. सो आइडियली क्या होना चाहिए कि चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, जो कोई न्यूट्रल कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन बैठ करके उनका दोनों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट करे, जो ना लड़के वालों की तरफ से हो ना लड़की वालों की तरफ से हो, जो ना इसका दोस्त हो ना उसका दोस्त हो. आइडिया मिल गया, राइट? अभी बहुत सारी स्टार्टअप स्टार्ट. व्हाई नॉट हाँ. लेकिन आज आई एम श्योर यहाँ पर बहुत लोग जो अभी देख रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप होने चाहिए, आइडियली होने चाहिए. मतलब जब एक ऐसी वेबसाइट है जिसको बोलते हैं, जैसे मान लो शादियों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से एक लड़का लड़की को मिलवाते हैं, अरे तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ ऐसी एक वेबसाइट होनी चाहिए या कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जहाँ पर पैनल पर साइकोलॉजिस्ट हों जो कि ट्रेंड हों साइकोलॉजी को समझने में, और वो दोनों की साइकोलॉजी को समझें और इसको प्रेडिक्ट करें कि फ्यूचर में इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं. उसमें क्या होगा, दोनों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर उसको मिक्स एंड मैच किया जाएगा, कुछ दिन लगाए जाएंगे उसके ऊपर, रिसर्च करी जाएगी. इंटरेस्टिंग. फिर वो अपनी एक फीस लेंगे जो भी रीजनेबल सी होगी. तो ये अपने आप में एक स्टार्टअप भी हो सकता है, व्हाई नॉट? सो बेसिकली सर, आज के टाइम में रिलेशनशिप ले लो या मैरिज ले लो, आगे चल के प्रॉपर एक गिव एंड टेक थ्योरी रह गया है. इट्स लाइक आप मुझे इतना दें, मैं आपको इतना करूँगी. बिल्कुल. तो वो ग्रैटिट्यूड, वो सेल्फलेस सर्विस मिसिंग है. वो अब हो भी नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है. उसके पीछे रीज़न है. क्या होता है, वो तब तक ही हो सकती है जब तक एक इंसान का इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो बात करता है सरेंडर करने की, वो वही कर सकता है सरेंडर जो कि एक्चुअल में भोला है, इनोसेंट है. वो सेल्फलेसली सर्विस भी कर सकता है या कर सकती है, बट जो वेल एजुकेटेड है और जिसका एक वेल फॉर्म्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड अपनी आइडेंटिटी है, अगर उसे पूछो आप कौन हो तो वो पूरा प्रॉपरली डिफाइन कर सकता है या कर सकती है, मैं ये थी पास्ट में, अब मैं ये हूँ, अब मैं ये करने वाली हूँ. तो वो एक हार्डन्ड एक इंडिविजुअल है जिसका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग है. तो वो दिखा तो सकता है बाहर से, या दिखा सकती है कि नहीं मैं सेल्फलेसली ये करूँगा या वो करूँगी, वो एक्चुअल में नहीं कर सकता है. इट हैज़ टू बी गिव एंड टेक. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दो लोगों की मैरिज होती है जो कि वेल एजुकेटेड हैं और इंटेलेक्चुअली साउंड है, और फिर अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को मार रहा है, पीट रहा है, तो वह जस्ट नहीं कर सकती है. शी कांट सरेंडर, शी कांट बी सेल्फलेस देयर. इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट शुड नॉट हैपन. डे वन से क्लियर होना चाहिए कि इट्स गोइंग टू बी अ पार्टनरशिप जिसके ये रूल्स होंगे, और ना आप ब्रेक करोगे ना मैं ब्रेक करूंगी. दैट्स परफेक्ट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. सेम हियर. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ.